प्रकाश सोनकर स्मृति में 8 से 22 दिसंबर तक अखिल भारतीय मौर्य गोल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। जितेंद्र गर्ग का विजय सोनकर ने बताया कि सेंट्रल जिम खाना क्लब द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में देश के कई भाग ले रहे हैं। यह स्पर्धा 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। प्रथम चरण 8 से 14 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें इंदौर मऊ की 32 टीमों को मौका दिया गया है। इस चरण की शीर्ष 4 टीमों को दूसरे चरण में देश की विगत टीमों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। विजेता टीम को वर्ल्ड कप के साथ 80,000 तथा उपविजेता को 50,000 की इनामी राशि प्रदान की जाएगी, साथ ही अन्य व्यक्तिगत पुरस्कार भी रखे गए हैं। देखिए, इंदौर में जो प्रकाश सोनकर स्मृति टूर्नामेंट होता है, इसकी अपनी ख्याति है। तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में इससे बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं होता है, और हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस टूर्नामेंट को इस वर्ष 25 साल पूरे हो रहे हैं। ये टूर्नामेंट 2 चरणों में खेला जाएगा। प्रथम चरण में हमारे मध्य प्रदेश की इंदौर की जो टीमें हैं वो हिस्सा लेंगी, और उनमें से जो 4 टीमें चुन के आएंगी उनको जो बाद में देश की विभिन्न प्रांतों से टीमें आती हैं उनसे उन टीमों के साथ वो हिस्सा लेगी। 22 दिसंबर को इसका फाइनल होगा और 15 दिसंबर को इसका हम उद्घाटन करेंगे। इंदौर महू नीमच में काफ़ी फुटबॉल प्रेमी है, काफ़ी फुटबॉल क्लब है, वहाँ की टीमें हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही जो भारत की ख्यातिनाम टीमें हैं, जिसमें 11 स्टार FC गुवाहाटी, आर्मी ग्रीन फुटबॉल बेंगलोर, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कोच्चि, BEG सेंटर पुणे, AG फुटबॉल टीम चेन्नई, दिल्ली यूनाइटेड दिल्ली, नॉर्थ रेलवे अंबाला, सेंचुरियन रायन मुंबई, स्पोर्टिंग क्लब कोरबा, LNUIP ग्वालियर, NF नीमच और सिटी क्लब रतलाम, ऐसी भारत की जो मुख्य टीमें हैं वो इस स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। इसमें लगभग काफ़ी अच्छे आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। ग्राउंड सच के तैयार है, काफ़ी लगातार 1 महीने की मेहनत से इस ग्राउंड को बनाया गया है। तो जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि ग्राउंड पहले क्या था और अभी आज देखेंगे तो ग्राउंड पे कितनी मेहनत होके और तैयार किया गया है, और नो डाउट इस टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और उन्हें आगे जाके और ज़्यादा तरक्की करने का मौका मिल रहा है। संदीप जैन, डायरेक्टर मोयरा से।